sound testing. Attention, please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the trouble. Trouble test completed. Now feel the bass. तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स में। आज हम देखिए आपके सामने लेके आए हैं 7294। ये देखिए TDA ST की IC है हमारी 7294। ये दो IC लगी हुई हैं इसके अंदर 7294। 7294 की हम IC का एक सर्किट लेके आए हैं जो ट्रैक्टर म्यूजिक सिस्टम का है। सबसे पहले हम इसकी डिटेलिंग बताएंगे कि कितने जो है ये वाट के स्पीकर कम से कम चला सकती है, ऑपरेट कर सकती है। तो दोस्तों, ये हमारे 100 वाट का स्पीकर 10 इंची का हो या फिर 8 इंची का हो या फिर 12 इंची, 100 वाट तक का जो स्पीकर है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी में उठा सकती है। मतलब अच्छी तरीके से ये प्रॉपर तरीके से बजाएगी और किस पे लोड नहीं पड़ेगा, इसके अंदर कंप्लेंट नहीं रहेगी। आप ये देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि 7294 के इस बोर्ड में ये हमारा जो ऑडियो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये हमारे इस बोर्ड के अंदर ऑडियो सेक्शन रहता है। और ये जो सेक्शन रहता है ये हमारी पल्स IC का सेक्शन रहता है। ये हमारा इतना जो प्रॉपर जो सेक्शन होता है ये इन्वर्टर सेक्शन होता है। दोस्तों, इन्वर्टर के अंदर जो क्या होता है, तो जो ये हमारे डायोड यूज़ करे हुए होते हैं, आप देख रहे हैं 5408 के हमारे डायोड यूज़ करे हुए हैं इसके अंदर। तो इसमें हमारे 5408 के डायोड यूज़ करे हुए हैं और ये जो साइड है ये हमारे 4P55 इसके अंदर यूज़ करे हुए हैं। आप दिखाते हैं आपको, ये 4P55 यूज़ करे हुए हैं। ये IC हमारी पल्स की IC है जो हमारी P55 को पल्स ऑपरेट इन्वर्टर को पल्स देती है। और ये हमारा टोटल ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है जिसका साइज हमारा T36 का रहता है। T36 की इसके अंदर कॉइल यूज़ करी जाती है। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का सेक्शन है। ये जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है इधर की। ये जो टेपिंग दिख रही है इसके अंदर, इधर वाली जो टेपिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग की टेपिंग है और इधर वाली जो टेपिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की टेपिंग होती है। तो अब हम इसकी कनेक्शन करके आउटपुट चेक करवाएंगे। BT दिखाते हैं आपको। तो ये BT AZ कोर का BT है। ये वॉल्यूम, ट्रबल और बेस हमारा इसके अंदर है। दोनों पे आप दिखा रहे हैं पोटेंटोमीटर, 47K का पोटेंटोमीटर वॉल्यूम पे लगा है, 100K का पोटेंटोमीटर ट्रबल और बेस पे लगा हुआ है। ये हमारा 7805 है। ये दो इसके अंदर हमें वायर मिली हुई हैं। ये वायर जो है हमारी हमारे को क्या कहते हैं कार्ड के अंदर ऑडियो के लिए यूज़ की जाती है, लेफ्ट राइट ऑडियो। और बीच वाला जो ये रेड वायर है वो हमारा अर्थ रहता है ग्राउंड, और ब्लैक और ये येलो वायर है ये लेफ्ट राइट ऑडियो है। और ये दो इसमें कनेक्टर जो वायर निकली हुई हैं, दो कनेक्टर हैं, दो का कनेक्टर है इसमें। देखिए रेड और ब्लैक वायर निकली है। रेड वायर जो है 5 वोल्ट की है और ब्लैक वायर जो है हमारी ग्राउंड है। अब हम इसके पीछे से दिखाते हैं। पीछे से देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे स्पीकर। ये स्पीकर कहाँ पॉजिटिव है एक IC पे और इस साइड पे स्पीकर का नेगेटिव ग्राउंड है। इसी तरीके से स्पीकर पॉजिटिव, स्पीकर ग्राउंड।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों साइड स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन होंगे। स्पीकर के कनेक्शन कैसे करते हैं आप हमारी पुरानी वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से स्पीकर के कनेक्शन किए जाते हैं। और हमारे को जो बाकी हमारा बैटरी का जो कनेक्शन होगा, ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट ग्राउंड बैटरी का कनेक्शन होगा। यहाँ पे हमारी ब्लैक वायर जो ग्राउंड की वायर लगेगी, और यहाँ पे जो है हमारी रेड वायर जो है बैटरी पे से आएगी वो लगेगी। तो ये +12 वोल्ट, ये -12 वोल्ट है। और फिर इसको चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, और इसकी ऑडियो को चेक करते हैं क्या इसकी ऑडियो निकलती है। आपको कैसे इसकी ऑडियो लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी आपको इस तरीके की किसी प्लेट की जानकारी चाहिए, इसकी प्राइजिंग क्या है, प्राइजिंग भी हम आपको बताते हैं। ये बोर्ड जो है हम 9800 वाट लिखा हुआ है इस पर ये 9800 वाट होता नहीं है, प्रॉपर वाटेज इसकी कम रहती है। हमने आपको दिखाई 100 वाट +100 वाट का ही ये हमारा स्पीकर बजा पाता है। बाकी हम जो टेस्टिंग करने वाले हैं आपको दिखा रहे हैं, ये टेस्टिंग जो है अपने 135 की मैग्नेट पे करने वाले हैं। 10 इंची 135 की मैग्नेट इसके अंदर स्पीकर के अंदर यूज़ हो रखी है। ये देखिए, ये हमारी 135 की मैग्नेट इसके अंदर यूज़ हुई है। तो 1.5 इंची कॉइल, ये जो स्पीकर है वो हमारा 150 वाट का है, पर बोर्ड जो 100 वाट का है। इस पर ही टेस्टिंग करेंगे आज, 120 वाट को 120 की मैग्नेट पे टेस्टिंग ना करके, 100 वाट के स्पीकर पे टेस्टिंग ना करके आज 150 वाट पे टेस्टिंग करते हैं। इसकी आउटपुट कैसी रही आपको हमें ज़रूर बताएं, और कुछ भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी तरीके की जानकारी दे देंगे, ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों देखिए, हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं अपने कार्ड के अंदर ये ऑडियो का, और 5 वोल्ट की जो हमने कनेक्शन कर लिए हैं, देखिए 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये रेड वायर 5 वोल्ट पे ग्राउंड, और ये हमारी लेफ्ट ऑडियो, राइट ऑडियो, और ये हमारा ग्राउंड। तो इस तरीके से हमने इसमें कनेक्टर लगा लिया है। ये स्पीकर का देख रहे हैं, यह रेड वायर जो है हमारी स्पीकर की ब्लैक और पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसी के तरीके से इस वायर में हमारी रेड वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ये देखिए, हमारे स्पीकर पे से ये वायर आ रही है। आज हम उसके दिखाएंगे कि बोर्ड के अंदर या बोर्ड हमारा एम्पेयर कितने लेता है, बैटरी के कितने एम्पेयर को यूज़ कर रहा है। आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। तो एम्पेयर कैसे चेक करेंगे, ये हमने एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, ये देखिए, और ये हमारी बैटरी रखी हुई है, ये गाड़ी की बैटरी है, कार की। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, और कितना एम्पेयर लेगी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। इसको पहले बैटरी के अंदर इसके हम वायर को लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमें रेड ब्लैक वायर इस कनेक्टर में से जा रहा है, तो ये हमने स्विच बैटरी पे से हमारा आ रहा है, ये नेगेटिव में हमने नेगेटिव वायर डाल दिया है, और पॉजिटिव के अंदर हमने पॉजिटिव वायर डाल दिया है। तो दोस्तों, तो ये देखिए, हमारा जो सेट है वो ऑपरेट हो चुका है। अब ये देखिए, इस टाइम ये हमारा FM के ऊपर है, तो हम इसमें ब्लूटूथ का यूज़ कर लेंगे, ब्लूटूथ पे हम इसको कर देंगे। ये अब हमारा कार्ड ब्लूटूथ पे आ चुका है, और एम्पेयर दिखाते हैं। अभी कोई ऑडियो हमने ऑपरेट नहीं करी है, गाना कोई प्ले नहीं किया है, और इतने में हमारा जो बोर्ड है क्या लोड ले रहा है। अभी जो हमारा बोर्ड है 0.8, मतलब 1 एम्पेयर से कम हमारा बोर्ड ले रहा है। और यहाँ पे देखिए, हमिंग आ रही है स्पीकर के अंदर से। अब थोड़ी देर में इसकी जो सॉन्ग्स पे टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सेट जो है हमारा ब्लूटूथ से बोर्ड, एम्पलीफायर का बोर्ड है, कनेक्ट हो चुका है 7200 का। गाना प्ले करते हैं, तो चलिए साउंड की टेस्टिंग करते हैं। तो गाना हमने प्ले कर दिया है, और अब इसके वॉल्यूम को हमने कंट्रोल कर रखा था, तो वॉल्यूम को हम जो
तो दोस्तों आपने इसका साउंड सुना कि किस तरीके का साउंड है। टेस्टिंग हमने देखी, ये जो है 150 वाट के स्पीकर पे करी थी। अगर ये हमने टेस्टिंग 100 वाट के स्पीकर पे करी होती तो ये स्पीकर का पर्दा बिल्कुल बाहर निकलने को होता दोस्तों। तो प्लेट में आपको क्या लगा और किस तरीके की हमारी आपको टेस्टिंग लगी, और आपको हमारी 7294 की जो प्लेट है ये हम 1300 रुपये में प्रोवाइड करवाते हैं। डबल IC की प्लेट है और बढ़िया इसकी जो रिज़ल्ट है, कोई कंप्लेंट नहीं है। जिसको भी इस तरीके की प्लेट चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम इसकी होम डिलीवरी भी देते हैं, और जो डिलीवरी चार्जेस रहते हैं वो आपके एक्स्ट्रा रहते हैं। तो किस तरीके की आपकी क्वालिटी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको इसके बारे में कोई और जानकारी भी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ ये लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहें और टेक के बारे में बताते रहें। तो मिलते हैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लेते हैं आपसे अलविदा।